Properties of determinants. The value of the determinant remains unchanged if its rows and columns are interchanged. अगर हम rows और columns को आपस में interchange कर दें मतलब कि सारी rows को columns बना दें और columns को rows बना दें तो उसकी determinant की value unchanged रहती है For example, हमने यहाँ पर determinant delta लिया है इसको हम along the third column expand करके देखते हैं तो हमारे पास इसकी value आती है 12. अब मैं क्या करूंगा? अब मैं डेल्टा वन एक डिटरमिनेंट बना लूँगा जहाँ पर कि मैंने पहले कॉलम को टू फोर टू को एज़ फर्स्ट रो लिख दिया है सेकेंड कॉलम को जीरो वन माइनस वन को एज सेकेंड रो लिख दिया है और थर्ड कॉलम माइनस टू जीरो जीरो को एज़ थर्ड रो लिख दिया है तो यहाँ पे सारे कॉलम्स को मैंने रो बना दिया है रो को कॉलम बना दिया है अब मैं डेल्टा वन को एक्सपैंड करके देखता हूँ अलोंग द फर्स्ट कॉलम तो मेरे पास ये वैल्यू आती है जिसको सिंप्लीफाई करने पर मुझको डेल्टा वन की वैल्यू भी बराबर ट्वेल्व मिल जाती है तो ये प्रॉपर्टी डिटर्मिनेंट पर अप्लाई होती है जहाँ पे कि अगर ए स्क्वायर मैट्रिक्स है तो डिटर्मिनेंट ए इज़ इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए डैश यहाँ पे कि ए डैशिज ट्रांसपोज ऑफ ए ट्रांसपोज वर्ड का मतलब होता है कि आप कॉलम्स को एज रोज लिख दें और रोज को एज कॉलम्स लिख दें प्रॉपर्टी नंबर टू इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मेंट आर इंटरचेंज साइन ऑफ डिटर्मनेंट चेंजेस दो रोज को अगर मैं आपस में इंटरचेंज कर दूं या किन्हीं भी दो कॉलम्स को अगर मैं आपस में इंटरचेंज कर दूं तो डिटर्मिनट का साइन चेंज हो जाता है एग्जाम्पल हमने यहां पे डिटर्मिनेंट लिया है थ्री माइनस फोर जीरो करके देखता हूं फर्स्ट होके अलॉन्ग की इसकी वैल्यू क्या आती है तो वो मैं देखता हूं आती है, बराबर माइनस ट्वेंटी सेवन अब मैं इस पर एक कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करता हूं सी टू सी थ्री को आपस में एक्सचेंज कर देता हूं मतलब कि कॉलम टू और कॉलम थ्री को आपस में एक्सचेंज कर देता हूं एक्सचेंज करने पे मेरे पास जो नया डिटर्मिनेंट आता है वो है थ्री वन टू फर्स्ट कॉलम सेम रहेगा सेकेंड कॉलम आप देख सकते हैं यहाँ पे यहाँ का थर्ड कॉलम है और यहाँ का थर्ड कॉलम यहाँ का सेकेंड कॉलम है तो यहाँ पे मैंने C2 और C3 को एक्सचेंज कर दिया है अब मैं एक्सपैंड करूंगा अलोंग द फर्स्ट रो वीडियो को यहाँ पे पॉज कर करें और इसको खुद ट्राई करें आइए देखते हैं वैल्यू क्या आएगी इसकी वैल्यू आती है 27 के बराबर तो यहाँ पे हमने देखा कि फ़र्स्ट केस में टर्मिनंट की वैल्यू माइनस ट्वेंटी आई थी सेकेंड केस में 27 सेवन आई तो साइन चेंज हो गया जब हमने दो कॉलम्स को आपस में एक्सचेंज कर दिया तो डेल्टा इक्वल टू माइनस डेल्टा इफ यहाँ पे हमने एक बार एन इक्वल टू वन बार कॉलम्स को आपस में एक्सचेंज किया तो माइनस वन रेज टू पार वन तो मतलब कि साइन बस एक बार उल्टा हो गया अब अगर मैं दो बार तीन बार ऑपरेशंस करता हूँ तो अगर मैं एक कॉलम या रो को एन रोज़ या कॉलम्स के साथ एक्सचेंज कर रहा हूँ इन अ सीरीज़ ऑफ़ एन नंबर ऑफ़ ऑपरेशन तो माइनस वन रेज टू पार एन के हिसाब से उसका साइन चेंज हो जाएगा फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अगर मैंने एक और बार कॉलम या रो को एक्सचेंज कर दिया होता तो माइनस वन रेज टू पार टू डेल्टा होता जो कि वापस से मुझे डेल्टा मिल जाता